और मेरी पोस्टिंग यहाँ थाना शिवकुटी में प्रयागराज में है। मैं महिला कांस्टेबल के पद पे हूँ और मैंने मुकदमा लिखाया था 41/2023 जो शिवकुटी में पंजीकृत, और वो मुकदमा लिखवाने के लिए भी जब हम यहाँ पे आए तो मुकदमा नहीं लिखा गया। पहले हम एप्लीकेशन दिए, नहीं लिखा गया। फिर प्रेम प्रकाश साहब के IDG साहब के पेश हुए, वहाँ से नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद जब वहाँ की लेटर यहाँ आई तब भी नहीं लिखा गया। SSI उमाकांत यादव पैसा ले लिए थे इमरान को बुला करके, इमरान खान मेरे पति का नाम है। उसके बाद फिर हम जब कचहरी में वकील की मदद से 156-3 दाखिल किए, 156-3 होने के बाद जब सारे जगह लेटर भेजा गया, फिर जा करके यहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ। उस पर भी मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ, SC कैटेगरी, SC ST नहीं लिखा गया। फिर ये मुकदमा विवेचक चंद्रभानु यादव को मिला, जो नारायणी चौकी इंचार्ज हैं अभी इस टाइम, उनके द्वारा बोले कि SC ST नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपनाया है और उनके माता पिता का हमेशा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते थे, और बौद्ध धर्म सिर्फ हमको अपना फंसाने के लिए, अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ये अपनाया था ताकि हम और मेरे परिवार वाले इसके जाल में फंस जाएं। और शादी हुई हमारी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी हुई है, लॉन से भी शादी हुई है बनारस में। उसके बाद मेरा बाबू, मतलब प्रेग्नेंट, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद हम चाइल्ड केयर लीव में मुरादाबाद उस टाइम हम गए थे, तो मुरादाबाद में जो मेरा देवर है मोहसिन खान, पहले तो कुछ नहीं खेलता था, अब ये IPL खेलने लगा है लखनऊ सुपर जायंट से, वो उस टाइम मेरे साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था, ठीक। उस टाइम जब इनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बाईपार्ट सर्जरी हुई थी, उसी टाइम हम भी वहीं मौजूद थे, सब लोग वहाँ थे। और ये जो मेरा देवर है, पार्टी जब ख़त्म हो गई थी, बर्थडे पार्टी इनका घर में ही मनाए थे, फिर जब सब लोग चले गए, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो मुरादाबाद में चले गए, भोर में ही मेरा देवर मौका पा करके मेरे साथ ये दुष्कर्म किया। और उसकी फ़ोटो भी, वो उस डेट में मौजूद था वहीं मुरादाबाद में, उसकी फ़ोटो भी हम विवेचक को बता दिए हैं कि उस दिन मौजूद था, उसके बावजूद उनका मतलब 376 हटा दिया गया चंद्रभानु यादव द्वारा। मतलब समझ लीजिए कि वो इतना बिक गए कि आज हमें मरने के अलावा और कोई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचाए हैं, और खुद हम यहाँ महिला कांस्टेबल होकर के समझ लीजिए कि इतना अत्याचार कर दिए हैं यहाँ के थाना प्रभारी और विवेचक चंद्रभानु यादव। यहाँ तक कि ये सारी बातें मेरे CEO शिवकुटी सर को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ 4 बार पेश हुए विवेचना ट्रांसफ़र के लिए कि सर यहाँ पे विवेचना सही नहीं हो रही, ये पैसा ले चुके हैं। हम इनको कितनी बार बोले हैं कि ये पैसा ले चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। और समझ लीजिए ये मेरा 376 का घटना स्थल जो मुरादाबाद में हम दिखाए हैं, विवेचक वहाँ नहीं गए, ये संभल उनके घर गए हैं, आराम से मौज मस्ती पैसा ले करके आए हैं। समझ लीजिए वादनी के बिना निशानदेही पर 376 का घटना स्थल निरीक्षण करने कैसे ही अकेले चले गए, हमको लेके नहीं गए, जबकि हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ गए थे, तो बाहर निकलने के बाद ये बोले थे कि एक महिला कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, तुमको और हम चलेंगे। ये क्या, किस कमरे में गए थे देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ था, जब हमको लेके ही नहीं गए हैं। और सारे सब चीज़ें पूरा परिवार उनका मिल करके षड्यंत्र किया है, वो यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज पढ़ने जाता है, हमें हर मस्जिद में, हमको हर जगह, अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। और बात तब जब हो गई जब 3 साल का बाबू था, हम जब मुरादाबाद गए थे छुट्टी में, ये हमको लेके गया था कि पापा लोग तभी मानेंगे जब तुम वहाँ सही से रहोगी, फिर ये हमको लेके गए, हस्बैंड मेरे लेके गए। और उसके बाद ये बोले कि फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी प्रोग्राम की, मौलाना को बुलाना है, बिरयानी बन रही है, ये वो। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे, फिर हम उस दिन पूरा हम लड़े, हम बोले कि आप जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो आपको खतना से अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर किसी तरह रात काटे हम, सुबह अगले दिन ट्रॉली बैग उठा के बच्चा अकेले ले करके हम संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से बनारस अपने मायके आ गए थे। आपको भी धर्म परिवर्तन करने की बात कही? हाँ, मेरा नाम ये जायरा बानो रखे थे और बोल रहे थे कि तो देखो हमारे में यही होता है कि जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमारी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, मतलब हमारे धर्म के हिसाब से, तो तुम निकाह कर लो, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो हम बोले शादी कितनी बार होती है? एक ही बार होती ना। और आपकी, फिर बाद में सुनिए, इसकी जो पहली पत्नी है वो घर में रहती है और एफिडेविट भिजवाई है कि मेरा तलाक हो गया। और ये समझ लीजिए ये मीडिया में बाइट भी दी है, मेरे पास सारे प्रूफ है, वो न्यूज़ चैनल में बाइट दी है कि इमरान की वो पत्नी है और इनकी माँ बोली है कि वो इमरान की बहू है, मतलब इमरान की पत्नी और इनकी बहू है। सारा प्रूफ हम साक्ष्य संकलन करके हम विवेचक को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद भी ये
चंद्रभानु यादव कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो और आज मजबूरन जब हमें पता चला कि ये सारी धाराएं निकाल दिए हैं, सब कुछ निकाल दिए, नाम तक निकाल दिए, मेरी मतलब एक हिम्मत जुटा करके हम लड़ना भी चाहें उन लोगों के खिलाफ ना, तो भी मेरे थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सारे लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, सब लोग मिल करके। आज मरने जा रहे थे, मेरी फ्रेंड हमको रेलवे ट्रैक पर से खींच करके लेके गई थी, कोई रास्ता नहीं बचा है। एक था कि हाँ हम जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। हम आज फ़ोन किए हैं यहाँ की MLC जो निर्मला मैम है उनको फ़ोन किए हैं, वो बोली है कि हम लोग पूरी मदद करेंगे।